वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पर्यटक के विश्व विख्यात सरोवर नगरी नैनीताल भारत के टॉप हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। यहाँ की झील की वजह से लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पर पर्यटक लगातार आते रहते हैं। अगर बात करें तो अब ज़िले के पास ही एक म्यूज़ियम तैयार किया जा रहा है जो कि कभी कुमाऊँ के महिला जसूरी देवी का धर्मशाला हुआ करता था। चलिए देखिए रिपोर्ट। भारत तिब्बत संबंधों को दर्शाती ऐतिहासिक इमारतें फिर पुनर्जीवित हो रही हैं। 19वीं शताब्दी में कुमाऊं की दानी महिला जसूली देवी ने अपनी संपत्ति ब्रिटिश अधिकारी को देकर उसकी मदद से कई धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, जो आज भी उत्तराखंड के सबसे पुराने व्यापारिक संबंधों की याद ताजा कर रही है। जिला प्रशासन जिले में स्थित इन धर्मशालाओं को पुनर्जीवित करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में छोटा सा खूबसूरत भवाली नगर पड़ता है। यहाँ अब एक म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम को कुमाऊनी शैली में बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि म्यूजियम के निर्माण के लिए अल्मोड़ा से लाए गए पारंपरिक पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे पूरा कुमाऊनी शैली में तैयार किया जाएगा, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही इसमें उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े सामान, औजार और अन्य चीजें भी देखने को मिलेंगी। जसूली देवी शैक्याणी जो एक बहुत ही बड़ी दानवीर थी और एक व्यापारी थी, तो देखा कि उस जसूली देवी शैक्याणी ने, आपने सुना ही होगा, रानीबाग पे भी उनके धर्मशाला है, सुयालबाड़ी पे है, जिसमें प्रशासन और शासन लगातार उन धर्मशालाओं को ठीक करने का काम कर रहा है। तो उन कागजों को निकाल के मैंने उस समय के वर्तमान जीवन जो आज भी हैं धीरज गब्याल जी और उस समय का कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह ख्यांकी जी से वार्ता की और उनसे पत्राचार किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने जिलाधिकारी धीरज गब्याल जी का और इस समय हमारे परिवहन सचिव हैं अरविंद सिंह ख्यांकी जी का और अपने प्रदेश के सरकार का, उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और अपने उस समय के युवा विधायक संजीव आर्य जी का और हमारे अपने सांसद जयभट जी का कि उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जिला प्रशासन की मदद से पिछले 6 महीनों से लगातार वहाँ पर जसूली देवी शैक्याणी के उस जो धर्मशाला है उसकी द्वितीय मंजिल पर और एक म्यूजियम बनाने का काम हो रहा है, जिसके लिए लगभग 64 लाख का आकलन शासन को गया था, जिसमें वर्तमान में 42 लाख रुपए धनराशि स्वीकृत हो चुकी। दरअसल कभी ये कुमाऊं की सबसे दानी महिला जसूली देवी की धर्मशाला हुआ करती थी, जो काफी साल पुरानी है। समय के साथ ही इसकी हालत काफी खराब हो गई थी और इस क्षेत्र पर कुछ लोगों का कब्जा भी हो गया था, जिसके बाद इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। अब इस धर्मशाला का नवीनीकरण किया जा रहा है और इसे एक म्यूजियम में बदला जा रहा है। बता दें कि जसूली देवी शौक्याणी दारमा घाटी की एक प्रसिद्ध महिला व्यापारी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह काफी अमीर और दानवीर थी। साल 1870 से 1880 के बीच उन्होंने कई जगहों पर करीब 350 धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें कई भवन खंडर हो चुके हैं तो कुछ की हालत अभी फिलहाल ठीक है। नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा में इनकी बनाई हुई धर्मशालाएं आज भी देखने को मिल जाएंगी। भवाली समुद्र तल से 1706 मीटर ऊंचाई पर और नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान नैनीताल को नजदीकी पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए एक जंक्शन का कार्य करता है। बता दें कि भवाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी फल मंडी के रूप में भी जाना जाता है। भवाली की पहचान यहाँ पर स्थित टीवी सैनिटोरियम से भी होती है, जिसे 1912 में खोला गया था। उत्तराखंड दर्पण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड दर्पण देखते रहिए।